हेलो दोस्तों, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। कई वर्षों से मेरे जेहन में एक सवाल कौतूहल कर रहा था कि आखिर अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने इंसान को बनाया है क्यों। आइए अलग अलग नज़रिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देवियों और सज्जनों, मानव अस्तित्व का चमत्कार वैज्ञानिक जांच, धार्मिक विश्वासों और दार्शनिक चिंतन के धागों से बुना हुआ एक टेपेस्ट्री है। वैज्ञानिक रूप से हम विकास का परिणाम है, जीन और पर्यावरण का एक नृत्य जो हमारे जटिल अस्तित्व को आकार देता है। धार्मिक रूप से विभिन्न मान्यताएं एक दिव्य निर्माता को प्रस्तुत करती है जो हमारी यात्रा में उद्देश्य का संचार करता है। दार्शनिक रूप से हम अस्तित्व के विशाल विस्तार में अपना स्थान समझने की कोशिश करते हुए अर्थ और नैतिकता के सवालों से जूझते हैं। विज्ञान वो लेंस प्रदान करता है जिससे माध्यम से हम जीवन की यांत्रिकी को समझते हैं। डीएनए, ब्रह्मांड और हमें बनाने वाले परमाणुओं की जटिलताओं की खोज करते हैं। यह विकास की भव्य कथा को उजागर करता है जो हमें सहस्त्र बदियों तक फैले जीवन के ताने बाने से जोड़ता है। फिर भी अकेले विज्ञान उद्देश्य और अतिक्रमण की मानवीय प्यास को नहीं बुझा सकता। धार्मिक आख्यान, सृजन, उद्देश्य और नैतिकता की कहानियाँ बुनते हुए एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे एक नैतिक दिशा निर्देश, अपनेपन की भावना और जीवन के रहस्यों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। विश्वास की टेपेस्ट्री में हम सांत्वना, समुदाय और एक उच्च उद्देश्य पाते हैं जो अनुभव जन्य से परे है। दर्शन शांत, चिंतनशील, सहोदर अर्थ और अस्तित्व के अमूर्त क्षेत्रों में उतरता है। यह वास्तविकता की प्रकृति, नैतिकता और मानव होने के सार पर सवाल उठाता है। दार्शनिक जांच के विशाल परिदृश्य में हम अपने जीवन की कथा में गहराई जोड़ते हुए हमारे अस्तित्व के पीछे के कारण को समझना चाहते हैं। साथ में ये धागे एक समृद्ध मोज़ेक बनाते हैं। प्रत्येक किनारा इस भव्य कथा में योगदान देता है कि हम क्यों हैं। विज्ञान, धर्म और दर्शन, हालांकि अक्सर अलग अलग रूप से देखे जाते हैं, समझने की हमारी सामूहिक खोज के पूरक पहलू है। इन दृष्टिकोणों के संश्लेषण को अपनाने से हमें अपने अस्तित्व की जटिलता की सराहना करने की अनुमति मिलती है और क्योंकि गहन प्रश्न पर समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, हम वैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं, धार्मिक विश्वासों और दार्शनिक चिंतन की परस्पर क्रिया से आकार लेने वाले प्राणी हैं। हमारा अस्तित्व एक सिम्फनी है जो अनुभव जन्य, पारलौकिक और चिंतन जनक को सुसंगत बनाता है। जैसे जैसे हम जीवन के ताने बाने में आगे बढ़ते हैं, आइए हम इन विविध आख्यानों के अभिसरण में सुंदरता की सराहना करें जो सामूहिक रूप से इस गहन रहस्य को उजागर करते हैं कि हम क्यों हैं। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।